और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। इटली में G7 समिट का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहे शिरकत, मेलोनी, मैक्रों, सुनक और ज़ेलेंस्की सहित कई वर्ल्ड लीडर्स से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्वी नौसेना कमान में रक्षा तैयारियों की समीक्षा की, कहा कि इस कार्यकाल में नौसेना और समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। केरल के पलक्कड़ में होगी आरएसएस की समन्वय बैठक, 31 अगस्त से 2 सितंबर तक होगी बैठक, बीजेपी अध्यक्ष संगठन महामंत्री भी करेंगे शिरकत। 3 दिवसीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर बड़ा आरोप, राजभर ने बीजेपी पर फोड़ा अपनी हार का ठीकरा, कहा कि जनता ने पीएम मोदी और सीएम योगी को नकार दिया। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, येदियुरप्पा की गिरफ्तारी अगली सुनवाई तक टाल दी गई। हाईकोर्ट ने कहा कि 17 जून को सीआईडी के सामने पेश हो, नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप। कुवैत अग्निकांड में 45 भारतीयों की मौत, शव लेकर C-130J एयरक्राफ्ट पहुंचा कोची, एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि, 23 केरल, 7 तमिलनाडु, 3 यूपी के मृतक। कुवैत अग्निकांड पर केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी की प्रतिक्रिया, कहा कि अग्निकांड प्रवासी समुदाय पर एक आघात है, कुवैत में बहुत दर्दनाक हादसा हुआ, भारत सरकार उचित कार्रवाई कर रही है। 22 जुलाई से शुरू हो सकता है संसद का मानसून सत्र, 22 जुलाई 9 अगस्त तक चलेगा मानसून सेशन, मानसून सत्र में केंद्र सरकार पेश कर सकती है कई अहम बिल। दिल्ली में कार्यभार संभालने के बाद भारतीय थल सेना अध्यक्ष ने की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात, देश की सुरक्षा से जुड़ी कई अहम मुद्दों पर बातचीत। राम मंदिर पर आतंकी हमले का अलर्ट, जैश ए मोहम्मद ने ऑडियो जारी कर राम मंदिर पर हमले की धमकी दी, आतंकी हमले की धमकी के बाद राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब आतंकी समर्थकों पर भी कश्मीर की तर्ज पर जम्मू में होगी कार्रवाई, आतंकी समर्थकों की संपत्ति जब्त होगी, सुरक्षा एजेंसियों की बैठक में बड़ा फैसला। अमरनाथ यात्रा को लेकर समीक्षा की गई, अर्धसैनिक बलों और सीआईएसएफ की होगी तैनाती। कथित नीट पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये बात साफ कर चुका है कि नीट एग्जाम को पूरी तरह से रद्द नहीं किया जाएगा। 29 जून को दिल्ली में होगी जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, बिहार के सीएम नीतीश कुमार बैठक में होंगे शामिल, जेडीयू के नए बड़े नेता राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे, लोकसभा चुनाव में जेडीयू के प्रदर्शन पर चर्चा होगी। विपक्ष के सवाल पर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की प्रतिक्रिया, कहा कि जनता को भरपूर लाभ मिलेगा, विपक्ष नकारात्मक बात कर रहा है, सरकार अच्छे से काम करेगी और उद्योग जगत में रोजगार की बहुत संभावना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत पर राहुल जेमनी कोर्ट ने जमानत पर टली सुनवाई, अब 19 जून को होगी सुनवाई। केजरीवाल ने राहुल जेमनी कोर्ट में दी है अर्जी, मेडिकल चेकअप में सुनीता केजरीवाल के शामिल होने की मांग। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस, इससे पहले 30 हजारी कोर्ट ने खारिज की थी जमानत। दिल्ली के चांदनी चौक में लगी भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, चांदनी चौक में कल देर शाम दुकानों में आग लगी थी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार हिंसा को लेकर राज्य सरकार की सख्त कार्रवाई, सरकार ने तत्कालीन कलेक्टर के एल चौहान और एसपी सनानंद कुमार को किया निलंबित, लापरवाही के आरोप में सरकार की कार्रवाई। राजस्थान दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जैसलमेर में बीएसएफ के सैनिक सम्मेलन में की शिरकत, बीएसएफ परिसर में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पौधारोपण किया। आंध्र प्रदेश में रफ्तार का कहर, सीताना पल्ली गांव में मिनी ट्रक की कंटेनर से भिड़ंत, हादसे में 6 लोगों की मौत, कई घायल, ट्रैक्टर को ओवरटेक करते समय हादसा। एमपी के दतिया में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रोली पलटी, हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौत, 20 घायल। नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जब्त की 1 करोड़ रुपए की लगभग 2500 प्रतिबंधित ई सिगरेट, 3 तस्करों को किया गया गिरफ्तार, पुलिस मामले में गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश के साथ बिक्री करने वाले सरगना की तलाश कर रही है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के जंगल में जानलेवा आग, आग बुझाने गए 4 वनकर्मियों की मौत, हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का प्रयास जारी। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ पीओके में बगावत शुरू, जेल मार्च के लिए हजारों की संख्या में पीओके में उमड़ी भीड़। सऊदी अरब का अमेरिका को बड़ा झटका, 50 साल पुराने पेट्रो डॉलर डील को आगे बढ़ाने से किया मना, पेट्रो डॉलर डील 9 जून को हो चुकी है एक्सपायर, दोनों देशों के बीच पिछले 50 साल से था पेट्रो डॉलर समझौता।
इंडिया स्टोन मार्ट के लिए जीको सिडोस और लघु उद्योग भारती के बीच एमओयू, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में एमओयू। पत्थर उद्योग को प्रोत्साहन के लिए फरवरी 2026 में होगा इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन। सीएस सुधांश पंत ने ली सीनियर ऑफिसर की मीटिंग। संपर्क पोर्टल पर दर्ज मामलों की गई समीक्षा। की परफॉर्मेंस इंडेक्स और लंबित पत्रावियों की स्थिति पर फीडबैक लिया। सचिवालय को मिला नया कर्मचारी संघ अध्यक्ष। बुद्धि प्रकाश शर्मा बने सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष। शर्मा को 88 वोट से जीत मिली। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आरपीएससी की नई कवायद। डमी कैंडिडेट्स और फर्जी आवेदकों पर कसेगा शिकंजा। भर्तियों के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में होंगे कई अहम बदलाव। झालावाड़ में एसीबी के शिकंजे में घुसखोर। 30,000 की रिश्वत लेते डिस्कॉम का तकनीकी सहायक ट्रैप। थ्री फेज कनेक्शन जारी करने के एवज में एएनजेएन के लिए मांग रहा था घूस। जोधपुर में रेंज स्तरीय साइक्लोन टीम ने एटीएम लूट गैंग का पर प्रहार किया। 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 2 दर्जन से ज्यादा एटीएम तोड़ने की बात सामने आई। हनुमानगढ़ की सहकारी स्पिनिंग मिल को शुरू करने की मांग को लेकर माकपा और सीटू कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर कानाराम को ज्ञापन सौंपा गया। जोधपुर शेरगढ़ पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायक बाबू सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। इस दौरान पानी बिजली की समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों ने मुद्दे उठाए, जिस पर विधायक ने अधिकारियों को 1 सप्ताह में समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ की शिनवा नदी में 2 दिन पहले लहूलुहान हालत में मिले युवक के शव की शिनाख्त हो गई है। मृतक मध्य प्रदेश के धार का रहने वाला है और शोली हनुमान जी के दर्शनों के लिए अपने घर से निकला था। परिजनों ने अस्पताल के मोर्चे में पहुंचकर शव की शिनाख्त की है। प्रथम नजर में हत्या के इस मामले में पुलिस जल्द ही खुलासा करेगी। प्रतापगढ़ में संभागीय आयुक्त गौरव बजाज ने सीएससी का निरीक्षण किया। संभागीय आयुक्त ने अस्पताल प्रभारी डॉक्टर के साथ व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की और मरीजों के उपचार में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए। डूंगरपुर में अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के बैनर तले बिजली निगम के कार्मिकों ने प्रदर्शन किया। ओपीएस लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन और ऊर्जा विभाग के सचिव के साथ सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। डूंगरपुर के ढूंढा गांव में कार ने बाइक को टक्कर मार दिया। हादसे में युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। डूंगरपुर शहर के वसुंधरा विहार में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बन रहे फ्लैट का निर्माण कार्य तेजी से करने के लिए नगर परिषद सभापति ने ठेकेदार को निर्देश दिए। नगर परिषद की दीपावली तक आवेदकों को आशियाना उपलब्ध करवाने की योजना है। अब रोजाना 100 से ज्यादा मजदूर निर्माण कार्य में जुटे हैं। प्रतापगढ़ जिले में रक्तदान को लेकर लोगों का रुझान बढ़ने लगा है। बीते 5 सालों में करीब 2 दर्जन स्वयंसेवी संस्थाएं जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध करवा रही है। इस पुनित कार्य में सोशल मीडिया के जरिए भी काफी जागरूकता आने लगी है, जिससे आवश्यकता होने पर मरीजों को रक्त उपलब्ध करवाया जा रहा है। सेबो में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। प्रतिदिन योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिकारियों के अलावा आमजन भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। करौली में 9 मई को मुकबधेड़ नाबालिग के जलाकर हत्या कर दी का मामला। युवा प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। धौलपुर की पुरानी सब्जी मंडी के पास चोरों ने परचून की दुकान को निशाना बनाया। चोर दुकान से करीब 25,000 रुपए के सामान लेकर फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार ने थाने में मामला दर्ज करवाया। धौलपुर जिले में अलग अलग जगह दतिया वाले स्वामी की पुण्यतिथि मनाई गई। स्वामी जी की पुण्यतिथि पर गंगाबाई की बगीची और भार्गव वाटिका में भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हनुमान प्रसाद महाराज ने माँ पीताम्बरा माई और स्वामी जी महाराज की जीवनी पर प्रकाश डाला। प्रतापगढ़ में कलेक्टर ने लगाई रात्रि चौपाल। ग्रामीणों ने पेयजल, स्ट्रीट लाइट्स, पेंशन वेरिफिकेशन सहित अन्य समस्याओं से अवगत कराया। कलेक्टर ने अधिकारियों को समस्या का निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। प्रतापगढ़ की रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। 3 दिवसीय समारोह के अंतिम दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें पारंपरिक गैर नृत्य, एकल नृत्य और सामूहिक नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। बांसवाड़ा में विश्व रक्तदाता दिवस पर जिला प्रशासन ने पहल की। सरकारी विभाग के समस्त कर्मचारियों ने टीएडी भवन में रक्तदान किया। संभागीय आयुक्त और कलेक्टर ने सभी कर्मचारियों को रक्तदान करने की अपील की। मलारना डूंगर में अवैध बजरी खनन और परिवहन धड़ल्ले से हो रहा है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और अवैध बजरी के वाहनों पर अंकुश लगाने की मांग की। कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई।
सैपव में आवारा जानवर से टकराकर बाइक सवार दंपति और मासूम बेटा घायल हो गया। घायलों को सीएससी में करवाया गया भर्ती। प्राथमिक इलाज के बाद युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया। बाइक सवार कैला देवी से दर्शन कर वापस लौट रहे थे। सैपव के सीएससी में लगे तीन डॉक्टर्स को एक साल सीएससी से हटा देने की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। चिकित्सा विभाग की अनदेखी के चलते अब अस्पताल बिना डॉक्टर्स के संचालित हो रहा है। इसको लेकर मरीजों ने जमकर हंगामा किया और प्रदर्शन करते हुए आक्रोश जताया। कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल राजसमंद के देलवाड़ा के दौरे पर रहे। ग्रामीणों से जल सप्लाई को लेकर विस्तार से चर्चा की और गलियों से जाकर निरीक्षण किया। घरों में निकलने वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक सहित ठोस अपशिष्ट के स्टोर सेंटर का निरीक्षण भी किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संकल्प पत्र में किया वादा निभाया। थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में महिला अभ्यर्थियों को दी बड़ी सौगात। 30% से बढ़ाकर 50% किया महिला आरक्षण। सांगानेर में ग्रेटर नगर निगम की तरफ से आयोजित मस्ती की पाठशाला समर कैंप में बच्चों का उत्साह। कमिश्नर गोवर्धन शर्मा ने बताया कि कई विषयों में 400 से ज्यादा बच्चे भाग ले रहे। रोजाना प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित करते। मंसरोवर में रजत पथ पर 11 जगहों पर पशुओं को पानी पीने के लिए सीमेंट के बने फर्म और पक्षियों के लिए पात्र रखे गए। प्रशांत सेठी मुन्नालाल गुप्ता ने बताया कि पशु पक्षियों के लिए गर्मी में ऐसे काम करने चाहिए। अलवर में एसडीएम ने उपखंड स्तरीय रात्रि चौपाल लगाई और लोगों ने पेयजल विद्युत सहित अन्य मुद्दों से करवाया अवगत। एसडीएम ने कुछ समस्याओं को मौके पर ही निस्तारित किया, वहीं अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। दौसा के सिकराय में साधारण सभा की बैठक से पूर्व ही हंगामा हो गया। सरपंच और पंचायत समिति सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। बैठक में कई विभागों के अधिकारियों के नहीं पहुंचने को लेकर हंगामा। दौसा के अंदर साइबर थाना पुलिस ने की कार्रवाई। ऑनलाइन ठगी गिरोह चलाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। 500% मुनाफे का लालच देकर 9.5 लाख की ठगी की गई। आरोपी के संबंधित खाते से 1 महीने में 7 करोड़ का ट्रांजेक्शन किया गया। अलवर के सुरेट गांव में स्थित राजीव सेवा केंद्र पर एसडीएम ने रात्रि चौपाल लगाई, जिसमें बिजली पानी और अन्य मुद्दे सामने आए हैं। अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए गए। सिकराय की पंचायत समिति प्रधान कक्ष में सरपंच संघ की बैठक हुई। बैठक में घूमना ग्राम पंचायत सरपंच विपिन मीना को सिकराय पंचायत समिति संघ का अध्यक्ष बनाया गया। नव मनोनीत सरपंच संघ अध्यक्ष विपिन मीना का माला और साफा पहना का स्वागत किया गया। सिकराय में एसडीएम यशवंत मीना ने उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में साफ सफाई को लेकर नाराजगी जाहिर की और अस्पताल प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सांगानेर में स्क्रीनिंग और एक्सरे निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पंजीकृत 120 कर्मचारियों का निशुल्क एक्सरे बीपी शुगर सहित अन्य जांच की गई। विजन वर्ल्ड इंडिया की तरफ से C19 कार्यक्रम के तहत शिविर लगाया गया। जयपुर में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की अच्छी पहल। शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कार्मिकों के पुत्र के इलाज के लिए सहायता देंगे। जून के वेतन से हर कार्मिक करवाएगा 60 रुपए की कटौती। इस कटौती से महिला कार्मिक के पुत्र की दुर्लभ बीमारी के इलाज के लिए खरीदा जाएगा 17 करोड़ रुपए का इंजेक्शन। झुंझुनू में संभागीय आयुक्त ने रात्रि चौपाल लगाई, जिसमें ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। संभागीय आयुक्त ने मौके पर समस्याओं का निस्तारण किया और अधिकारियों को शिकायतों का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। लक्ष्मणगढ़ के हापास गांव में पीने के पानी की किल्लत। ग्रामीणों को मजबूर होकर गांव के बाहर से पीने का पानी लाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पानी की ट्यूबवेल कई महीनों से खराब हो रही है। इसको लेकर कई बार प्रशासनिक अमले को अवगत करवाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सीकर में प्रसूता का शव रखकर अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। जिला चिकित्सक संघ ने किया कार्य बहिष्कार। निजी अस्पताल में चिकित्सा सेवा का किया गया बहिष्कार। डॉक्टर्स ने कहा कि मानसिक दबाव में काम नहीं कर सकते। डॉक्टर कभी नहीं चाहता मरीज की मौत हो। झुंझुनू में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। बीडी के अस्पताल में लगाया गया स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संभागीय आयुक्त वंदना सिंह ने झुंझुनू जिले के दौरे पर रही। संभागीय आयुक्त ने झुंझुनू कलेक्टर परिसर पर नगर परिषद सभागार की निरीक्षण किया और कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक की और कहा कि हर कर्मचारी को अपने खर्च पर पर्यावरण सुधार के लिए एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। झुंझुनू के पिलोद गांव में 2 कारों के अंदर भिड़ंत हो गई। हादसे में पीएनबी के बैंक मैनेजर सहित 3 कर्मचारी घायल हो गए। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक युवक को झुंझुनू रेफर किया गया। झुंझुनू में नगर परिषद के पार्षदों ने किया धरना प्रदर्शन। आयुक्त के चैंबर के सामने धरने पर बैठे पार्षदों ने आयुक्त पर शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया।
जोधपुर में चिकित्सा विभाग की तरफ से ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू किया गया। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से चलाया गया अभियान। अभियान के तहत अनाधिकृत रूप से संचालित निजी अस्पतालों और क्लिनिक पर कार्रवाई की जा रही है। जोधपुर में माहेश्वरी समाज की तरफ से ठाकुर जी के मंदिर के अंदर महेश नवमी मनाई जाएगी। कल सुबह भगवान महेश, पार्वती, राधा कृष्ण और हनुमान जी की झांकी ठाकुर जी के मंदिर से रवाना होकर शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बाड़मेर में NH-68 पर निजी बस और कार की भिड़ंत हो गई है। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि कार बस के नीचे फंस गई। हादसे में कार सवार 2 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाड़मेर मेडिकल जिला अस्पताल पहुंचाया। पाली के मंडिया रोड से चाय की कैबिन में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने की वजह से कैबिन सहित आसपास के सामान जलकर खाक हो गए। आग की सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सिरोही के माउंट आबू में ग्रीष्म महोत्सव 2024 का धूमधाम से आगाज हुआ। उपखंड अधिकारी गौरव रविंद्र सालुके ने शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ब्यावर के जिला कलेक्टर उत्सव कौशल नेपाली की सेंद्रा ग्राम पंचायत क्षेत्र में वन विभाग और ग्राम पंचायत की नर्सरी का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने नर्सरी का निरीक्षण कर पौधों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने और लगवाने के लिए आमजन को प्रेरित करने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा ने जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा और पंजाब से नहरों से आ रहे दूषित पानी की रोकथाम की मांग की। चूरू में अब आसानी से सरस उपभोक्ता घी की कर पाएंगे पहचान। सरस डेयरी चूरू ने सरस घी पर जारी किया है बारकोड। बारकोड स्कैन करते ही उपभोक्ताओं को मिलेगी पूरी जानकारी। हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर बार संघ के बैनर तले अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। उपखंड अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। ADM को ज्ञापन सौंप मांग की गई। हनुमानगढ़ की भादरा नगर पालिका के वार्ड 32 में पार्षद के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर पहले 3 कांग्रेस और 1 निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन भरा। बीजेपी नेता मांगीलाल गोयल की पत्नी शशि गोयल और उनके भांजे प्रवीण गोयल ने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया है। 30 जून को मतदान होगा। लाड़नू में 2 ट्रकों के अंदर भीषण भिड़ंत। हादसे में ट्रक चालक 4 घंटे तक फंसा रहा। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से क्रेन और JCB की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला। जियाबड़ी के बस्ती मोहल्ले में अज्ञात कारणों से 3 मकानों की बालकनी अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। तेज आवाज सुनकर मकान मालिक सहित मोहल्लेवासी घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।